राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ती महंगाई और बिजली की कीमतों के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। इस दौरान पुलिस और पीओके के राजनीतिक धार्मिक संगठन अवामी एक्शन कमेटी के बीच शनिवार को झड़प हुई। इसमें एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई जबकि 100 घायल हुए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के बीच एएसी ने पूरे पीओके में बंद की अपील की। इसके बाद स्कूल, ऑफिस, रेस्तरां, बाजार और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर ताला लटका नजर आया। पीओके के मदीना मार्केट में भारी पुलिस बल तैनात रहा। यहां एएसी के कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। पुलिस ने मुजफ्फराबाद जाने के रास्ते में बैरिकेड लगा दिए। इसके बाद इस्लामगढ़ के पास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने आरोप लगाया कि विरोधियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें मीरपुर के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी को सीने में गोली लग गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। बदले में प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। पीओके में बिगड़ते हालातों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने पाक अधिकृत कश्मीर में बने हालातों को सुधारने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।